हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान एकेडमी। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, रीट लेवल टू की जो मैथ्स की क्लासेस है आप लोगों के लिए अवेलेबल थी, और उसी सीरीज के अंदर दोस्तों आज ये हमारा जो है 5 पार्ट है, और मैं जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करवा रहा था, ठीक है दोस्तों। और वो क्वेश्चंस है जो कि एसएससी में, रेलवे में, कई बार मेट्रो में, कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान एकेडमी की थीम आप लोग जानते हैं, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम, यानी आपके जो भी सपने हैं उनको जो है हमारे द्वारा पंख दिए जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे कंप्लीट पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है दोस्तों। बदल जाओ दोस्तों वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। यानी कि दोस्तों, या तो जो है आपके जो भी हालात हैं, आप गरीबी में ही है, या फिर आप जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी के गुलामी में जॉब कर रहे हैं, तो वो करते रहिए, या फिर दोस्तों जो है अपना वक्त बदलिए और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसएससी 1999 का है दोस्तों। ये एसएससी ने 1999 के अंदर पूछा था, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बताया था कि कैसे लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन को आप अनुपात समानुपात के कंसेप्ट से कर सकते हो। और अनुपात समानुपात के कंसेप्ट में मैंने बताया था कि हानि फिर कितने रुपए में बेची वो, मतलब हानि जो प्रतिशत है वो, और उसकी वैल्यू कितनी आई वो, प्रतिशत और उसकी वैल्यू समानुपात होती है। कैसे, तो देखिए, अगर हम जो है लाभ प्रतिशत, यानी 120 रुपये, 120 मतलब 20% लाभ पर, यानी कि 120 रुपये, और ये समानुपाती किसके होंगे पता है, जितने में उसे बेचना चाहिए था, यानी कि लाभ कमाने के लिए उसने मान लिया x रुपये में बेचा, ये समानुपाती होगा 20% हानि यानी कि 80 में, और मूल्य कितना है 480, ठीक है। देखो, परसेंटेज अगर पहले लिख रहे हो तो परसेंटेज यहाँ पर भी पहले ही आएगा, क्योंकि हमेशा सेम सेम की जो क्वांटिटी होती है वो समानुपात अमानुपात अनुपात का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ परसेंटेज लिख दिया और यहाँ फिर ये 480 आ गए, और यहाँ पर आप लिख रहे हो राशि, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है आपके राशि ही आएगी, जो कि कितनी है 480। अब अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट से आप जो जानते हैं कि द्वितीय पद और तृतीय पद का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 80x एंड दिस इज इक्वल टू जो कि आपके प्रथम पद यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म है इनके मल्टीप्लाई के, यानी 120 × 480, ठीक है। और 80 से जो है ये कितनी बार जाएगा, 8 × 48 होता है 6 बार, यानी कि x बराबर दोस्तों आया 720 रुपये। यानी कि अगर उसे लाभ कमाना है दोस्तों, तो हमें अगर हमें 20% लाभ कमाना है, यानी 120% जितनी x जो भी उसका क्रम मूल्य है उसे 20% यानी 120% हुआ, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 720 रुपये में बेचना होगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, और ये अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही ईजी और एक लाइन का क्वेश्चन होता है आपके लिए, बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल विक्रेता दोस्तों आम जो है वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तब उसे 20% हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम कितने की दर से बेचने होंगे। तो वही कंसेप्ट जो पीछे बताया है, कितनी हानि हो रही है 20%, यानी 80 अनुपात में 80, मतलब जो 20% हानि पे ये कितने रुपए प्रति दे रहा है, 9 रुपये, ये समानुपाती होगा 5% लाभ यानी 105, और अनुपात में आ जाएगी राशि यानी कि जो हमें निकालनी है x, क्या हो जाएगा 9 × 105 बराबर 80x, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे, तो देखिए 9 × 105 / 80 एंड दिस इज इक्वल टू x। अब इसको जो सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो आप 5 से भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और इसको 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 5 अंक, ठीक है। और ये देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बटे 16 बराबर एक्स, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 एकम 16 कितना बचा, 2 9, 16 एकम 16 कितना बचा, 11 पॉइंट, ठीक है। 11 यानी कि 0, 11 8 96 तो 8, और ये लगभग जो है आंसर जा रहा है हमारा ए के साथ में, 11.81 रुपीज जो है उसको अगर 5% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 11.81 रुपये में जो है उसे बेचना पड़ेगा पर किलो आम। 1 किलो आम के कितने लेने पड़ेंगे उसको, 11.81, अभी कितने ले रहा है, 9 रुपये, तो डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, 2.81 रुपये उसे बढ़ाने होंगे। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि उसे कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे तो उसे 2.81 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोस्तों मेट्रो रेलवे 2002 का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था हमारे एसएससी 1999 का। बताइए क्या सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे ही आपके रीट में भी रिपीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। जब रीट का पेपर मैं सॉल्व कर रहा करके मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और उस टाइम पे मैंने क्या करा था, सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। अब मैं जो है जैसे पटवारी में मैंने पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, वैसे रेट का पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके अंदर आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है दोस्तों एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी अपनी ओर से 225 रुपये भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। ए के लिए लागत मूल्य पूछा है, हमने क्या करा दोस्तों कि माना ए का लागत मूल्य, जो ए ने साइकिल के लिए जो लागत मूल्य दिया है वो कितना है, एक्स, ठीक है, एक्स रुपए दिया है। अब देखो एक्स रुपए पर उसे लाभ कितना करवाना है हमें, देखिए 20% लाभ पर किसको बेच रहा है, बी को, यानी कि 120 बटे 100, ये किसकी वैल्यू आई है पता है, बी को जितने में मिला, बी ने क्या करा है 25% लाभ पर सी को बेचा, यानी कि इसका जो 125% होगा वो वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू है दोस्तों हमारे सी की, ठीक है, और ये किसकी थी, ए की, बी की, सी की, तीनों की आ गई। और सी अपनी ओर से भुगतान कितना कर रहा है, 225 रुपये, यानी कि ये बराबर होना चाहिए किसके, 225 रुपये के। अब इसकी काट चाट कर लीजिए तो देखिए 1 0 से 1 0 25 5 25 9, 5 से कितना आया, 20 आया, ठीक है। तो अब देखिए एक्स बराबर क्या हुआ, 9 × 20 × 10 बटे 12, और तो कुछ नहीं आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, 3 और ये 4, 4 से ये कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 10 × 5 50, 50 × 150, 150 रुपये जो है दोस्तों ए के लिए साइकिल का जो लागत मूल्य है, जो एक्स हमने माना था वो 150 रुपये होगा। डी इज योर राइट आंसर, और ये एसएससी ने 2002 के अंदर पूछा था, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो गया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये थोड़ा सा जो है प्रोजेक्टर की वजह से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 150 जो है इसका राइट आंसर है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों, हमारा डी के साथ में जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कॉन्सेप्ट इसमें भी समझ आ चुका होगा, ये तो सिंपल बेस्ड फॉर्मूले, परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज मैंने आपको समझा रखा है, तो आप पहले पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 300 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एसएससी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा था, यानी कि 10+2 वाले एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 10+2 वैकेंसी होती है इसके अंदर, ठीक है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। देखिए 400 नींबुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य 400 का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, इजी कॉस्ट प्राइस, एक की मान लो, एक नींबू की कॉस्ट प्राइस हमने मान ली सीपी है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रम मूल्य, लागत मूल्य हमने मान लिया सीपी कहते हैं, तो 400 का जब
एक के मूल्य से एक का हमने सीपी माना है, तो 400 से मल्टीप्लाई होगा, तो 400 सीपी बराबर 320 एसपी होगा या नहीं? एसपी क्यों? क्योंकि एसपी का मतलब है बिक्री मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 320 अपॉन 400, 0 और ये 4 8 32, ये 4 से 10 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 4 बार, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। कॉस्ट प्राइस यानी कि एक नींबू का मूल्य कितना है? 4, लेकिन एक नींबू बेच कितने में रहा है? 5 में, तो डिफरेंस कितना है? +1 हो रहा है। तो देखिए, डिफरेंस 1 का बटे ये डिफरेंस कितने पर आया? 4 पर। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखी जाती है, तो ये कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये 4 से गया कितनी बार? 25 बार, यानी 25% जो है दोस्तों लाभ हो रहा है। तो ये इसका आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ में, ठीक है दोस्तों। अब जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो, उनको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही कहता है डायरेक्ट, मतलब जो जो रट सकते हैं, जिनको रटने की आदत है, वो क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा खरीदी वस्तु, कितनी वस्तु है खरीदी है, ठीक है, तो खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, कौन सी? बेची वस्तु, ठीक है, बट्टे बेची वस्तु इंटू 100, बस ये कर दो, ठीक है। जो भी फॉर्मूला रट सकता हो वो ये फॉर्मूला रट लीजिए। मैं इसको और अलग कलर में दिखा देता हूँ, ये है, ये आप रट लीजिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कि खरीदी हुई वस्तु कितनी है? 400 माइनस बेची हुई वस्तु कितनी है? 320, तो कितना आया? 80, 80 बटे कितना? 80 बटे कितना? बेची वस्तु 80 बटे 320, 80 बटे 320, 0 से 0 8 चौक, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 × 100 यानी 25, तो डायरेक्ट 25% लाभ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आज के ये चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाए जाए, रीट की और अच्छी क्लास लाई जाए, और अच्छे वीडियो, सभी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किए जाए, तो प्लीज़ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।